दोस्तों नमस्कार। दोस्तों शॉर्ट एंड की इस गाइडेंस सीरीज में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारा समय लगाने के बाद भी शॉर्ट एंड में सफल नहीं हो पाते और उनका ये सवाल बार बार आता है कि हम अपनी शॉर्ट एंड की स्पीड को कैसे बढ़ाएं। दोस्तों आप से एक सवाल है मेरा कि जो व्यक्ति दौड़ लगाता है, जो धावक होता है, और हम उसको कहें कि बस प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, क्योंकि हम शॉर्ट एंड में बार बार सुनते हैं कि प्रैक्टिस करेंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, प्रैक्टिस करेंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो दोस्तों अगर एक धावक को दौड़ लगानी है तो वो सिर्फ प्रैक्टिस के दम पे अगर तेज धावक बनना चाहता है तो शायद ये पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से अगर आप शॉर्ट एंड में प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और सिर्फ प्रैक्टिस 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 कर रहे हैं, और शॉर्ट एंड के साथ साथ जो चीजें हमें अपनानी चाहिए, जो टिप्स एंड टेक्निक्स, जो चीजें हमें चाहिए इसको स्पीड को बढ़ाने के लिए, अगर हम वो नहीं कर रहे हैं तो शायद हमारी स्पीड इसमें कभी बढ़ ही नहीं सकती। सबसे पहली चीज, हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है। अगर आप सोचते हैं कि आप इस स्पीड को बढ़ा सकते हैं तो डेफिनेटली आप बढ़ा सकते हैं, और आपको लगता है कि आप शॉर्ट एंड में अपनी स्पीड को इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं तो यहां भी आप गलत नहीं है, क्योंकि आप जैसा सोच रहे हैं वैसे आपके पास रिजल्ट है, तो आप कहीं भी गलत नहीं है। क्योंकि आपने सोचा कि आप स्पीड नहीं बढ़ा सकते तो आप क्या करते हैं कि हर एक आउटलाइंस को, जो भी आउटलाइन आपको नहीं आती, मैं बहुत बार देखता हूँ बहुत सारे शॉर्ट एंड के ऐसे ग्रुप हैं, बहुत 10 10 20 20 50 50 शब्द इंग्लिश के लिख के और उसको भेज देते हैं कि मुझे आउटलाइन बताइए। हम प्रयास नहीं करते उस आउटलाइन को बनाने का। हम अगर उन वर्ड्स के आगे आउटलाइन बना के लिख के फिर किसी ग्रुप में भेजते हैं कि मैंने ये आउटलाइंस बनाई है, क्या मुझे कोई गाइड करेगा, या आपका कोई टीचर है या जहां से भी आप सीख रहे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, क्या मुझे कोई गाइड करेगा कि ये जो मैंने आउटलाइन बनाई है इसमें कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो मैं आपको श्योर करता हूं कि अगर आप 10 वर्ड लिख के भेजते हैं और आपके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि आप कोशिश करें उन आउटलाइंस को बनाने का, तो उन 10 में से मिनिमम 5 तो आपकी सही बनेंगी ही बनेंगी। हो सकता है वो 6 भी हो, वो 7 भी हो, लेकिन अगर आप उस कॉन्फिडेंस को नहीं बनाएंगे कि मुझे तो आती ही नहीं है और मुझे हमेशा दूसरों पर डिपेंड ही रहना है, तो आपकी स्पीड कभी भी बढ़ नहीं पाएगी, क्योंकि आपके अंदर अभी वो आत्मविश्वास आया ही नहीं कि आप अपने दम पे अपनी समझ से उन आउटलाइंस को बना सके। क्योंकि समय के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से वो चीजें आपके अंदर आती चली जाएंगी, लेकिन सबसे पहले अपने अंदर वो आत्मविश्वास आपको पैदा करना ही पड़ेगा कि आप 80 वर्ड्स पर मिनट लिख सकते हैं, आप 90 वर्ड्स पर मिनट लिख सकते हैं, आप 100 वर्ड्स पर मिनट भी लिख सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं अपनी कमांड बनाते हैं, अपने पे विश्वास रखते हैं, 160 वर्ड्स पर मिनट भी लिखते हैं। आपके साथ भी कुछ स्टूडेंट ऐसे रहे होंगे जो आपसे बहुत ज्यादा स्पीड पे लिखते हैं। तो दोस्तों अपनी स्पीड बढ़ाने का सबसे पहला मूल मंत्र, प्रैक्टिस से भी पहले, प्रैक्टिस करेगा कौन, प्रैक्टिस वही करेगा जिसके अंदर वो आत्मविश्वास होगा कि मैं कर सकता हूं, मेरे से ये हो जाएगा। अगर आपके अंदर ऐसा आत्मविश्वास ही नहीं है तो आपकी स्पीड कैसे बढ़ेगी। तो सबसे पहले अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं, अपने आप को महसूस कराएं कि हाँ मैं कर सकता हूं, मैं इस कोर्स को जो कर रहा हूं, मैं आउटलाइंस को बना सकता हूं, मैं प्रयास कर सकता हूं, तो आपकी स्पीड बढ़नी शुरू होगी। दूसरी चीज, कंसंट्रेशन। दोस्तों कोई भी धावक है वो सिर्फ प्रैक्टिस 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 के साथ साथ कुछ और भी करता है। उसका जो फोकस है, उसको पता होता है कि मेरे को किस स्पीड तक जाना है, रिकॉर्ड कहां तक बना हुआ है, और मेरा पोटेंशियल, मैं अपने आप को अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस देता हूं तो मैं अपने पोटेंशियल को कितना एनहांस कर सकता हूं। तो वो कंसंट्रेशन, वो फोकस अगर आपके अंदर होगा तभी आप स्पीड पे लिख पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के दम पे आप बहुत ज्यादा स्पीड पे लिख लेंगे ये पॉसिबल नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कंसंट्रेशन अगर आपके अंदर होगा, वो फोकस आपके अंदर होगा कि मेरे को करना है,
नहीं तो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, थोड़े दिन करते हैं, कभी कोई फंक्शन आ गया, 4 दिन वहां गायब है, कभी थोड़ी सी तबीयत खराब होगी, 10 दिन वहां गायब है। तो हमारा जो फोकस है, हमारा जो कंसंट्रेशन है, कितना कोर्स पे लगा हुआ है, डिपेंड उसी पे करेगा। क्योंकि जब किसी के दिमाग में कोई ऐसी चीज फिक्स होती है कि हाँ मेरे को इतनी स्पीड पे और इतने समय में लिखना ही लिखना है, तो ऑटोमेटिक अंदर से आपके जो शक्ति जागृत होती है उसको लिखने की, वो आपको बहुत आगे तक ले जाती है। लेकिन आपके अंदर अगर वो कंसंट्रेशन होगा ही नहीं, वो फोकस होगा ही नहीं कि मेरे को कितने समय में टाइम बाउंड होके इतनी स्पीड पे आना ही आना है, तब तक आप नहीं कर पाएंगे। तो अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आए, कंसंट्रेशन, वो फोकस लेके आए कि आपको इतने समय में वो स्पीड पे आना ही आना है, तब वो प्रैक्टिस आपके काम आने वाली है। नहीं तो आप कितनी प्रैक्टिस कर लें, आप आज 80 वर्ड्स पर मिनट पे हैं, हो सकता है कि आप 6 महीने बाद 90 वर्ड्स पर मिनट पे है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जिनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, जो कंसंट्रेशन से चलते हैं, वो 1 महीने से ही 80 से 100 पे, 1 महीने से, 1 महीने के बाद 100 से 110 120 को पार कर जाते हैं। तो स्पीड बढ़ाने के और भी टिप्स और ट्रिक्स हैं, लेकिन सबसे पहले अपने अंदर वो आत्मविश्वास, वो कंसंट्रेशन आपको लेके आना ही पड़ेगा। तीसरी चीज, आप जिस भी विषय की शॉर्ट एंड आप कर रहे हैं, हिंदी हो, इंग्लिश हो, पंजाबी हो, या अदर स्टेट के किसी भी स्टेट में आप किसी भी भाषा की शॉर्ट एंड को सीख रहे हैं, कर रहे हैं, प्रैक्टिस बढ़ा रहे हैं, तो अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो आपको उस लैंग्वेज पे कमांड अपनी स्ट्रॉन्ग करनी ही होगी। हम बहुत बारी उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं और हम सारा दिन प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, कहाँ से डिक्टेशन मिलेगी, कैसे डिक्टेशन मिलेगी, बहुत सारी इन्हीं चीजों पे हमारा फोकस लगा रहता है। लेकिन हम अपनी जो लैंग्वेज है, अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश को कितना हम अच्छा करते हैं, कितना हम उसको समझते हैं, सीखते हैं, कितना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कितना हम अपने वोकैबुलरी पार्ट को, कितना स्पेलिंग्स के पार्ट को और ज्यादा स्ट्रोंग करते हैं, उस पे भी डिपेंड करता है कि हमारी स्पीड कितनी ज्यादा कितनी जल्दी होगी। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, इन 3 पॉइंट्स पे आगे और इसके सब पॉइंट बहुत सारे हैं, जिससे हमें पता लगे कि ये चीजें कैसे बिल्ड हो सकती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इसका और भी डिटेल वीडियो आपको चाहिए हो, आपको लगे कि हाँ आपको और भी ज्यादा इससे कुछ सीखना है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिखें क्या चीज आपको अच्छी लग रही है, क्या चीज आपको लग रही है कि ये टू द पॉइंट नहीं है, टू अप टू द मार्क नहीं है, ताकि अगले वीडियो में उसमें कुछ और सुधार करके आपको और अच्छी जानकारी प्रोवाइड की जा सके। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।